good morning students so how are you all i hope you all are fine okay so as we know chapter 4 climate is going on and in this chapter we already discussed about the climate and the weather and uh, india's climate which is called monsoon type of climate also and today uh, we will discuss about those elements which controls the indian climate so there are six major controls of climate of any place: uh, latitude, altitude, pressure, and wind system, distance from the sea, ocean currents, and relief features. But today I will take only one topic, which is latitude, and others are we will take uh, uh, one by one in our uh, coming videos. Okay. So how does latitude controls the climate? कैसे लैटिट्यूड्स जो है क्लाइमेट uh, को कंट्रोल करता है तो फॉर दिस वी नीड टू नो अबाउट द लैटिट्यूड्स पहले हमें लैटिट्यूड्स को जानना पड़ेगा कि लैटिट्यूड्स क्या हैं ठीक है सो वॉट आर द लैटिट्यूड्स क्या है लैटिट्यूड्स और वॉट डू यू मीन बाई लैटिट्यूड ओके सो लैटिट्यूड्स आर सम इमेजरी लाइंस और वी कैन लैटिट्यूड इज़ एन एंगल विच रेंजेज जीरो डिग्री एट द इक्वेटर Okay, come to the map. Sorry, diagram. So, in this picture, you can see there is some lines which is called latitudes. Clear? Okay, I will show you one more picture. Come to this. Yes, I think this is much better than that. Okay. So, in this picture, you can see these lines. जो वर्टिकली uh, बनी हुई हैं सर्कल्स में हैं सर्कल्स बना रही हैं इस तरह से वर्टिकली दीज लाइन्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स एंड दीज आर लॉन्गीट्स ओके सो नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर वन एटी वन विद ज़ीरो डिग्री एंड नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर थ्री सिक्सटी डिग्री ओके सो हेयर यू कैन सी दिस इज़ अ नॉर्थ पोल एंड नीचे साउथ पोल है

ठीक है तो ज़ीरो से ये नाइन्टी डिग्री तक बन रहे हैं यहाँ से स्टार्ट होके okay. फिर अगर हम इनकी लॉन्गी की बात करते हैं तो ये भी एंगल्स बनाते हैं क्लियर सो लेंगीट्यूड लैटिट्यूड इज़ एन एंगल विच रेंजेस फ्रॉम ज़ीरो डिग्री एट द इक्वेटर टू नाइन्टी डिग्री इन नॉर्थ एंड इन साउथ एट द पोल्स एंड लाइन्स ऑफ कॉन्स्टेंट लॉन्ग और पैरल्स रन ईस्ट टू वेस्ट ये ईस्ट टू वेस्ट रन करती हैं ठीक है एस सर्कल्स सर्कल्स में पैरल टू द इक्वेटर इक्वेटर के पैरल सर्कल में रन करती हैं क्लियर गुड सो क्यों इनको हम यूज करते हैं तो लैटिट्यूड इज यूज टुगेदर विद लॉन्गिट्यूड टू स्पेसिफाई द प्रिसाइस लोकेशन ऑफ फीचर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ किसी भी जगह की आ, अर्थ पर कोई भी जगह है उसका अगर हमें लोकेशन पता करनी है तो इन दोनों को मिलाकर हम उस जगह की लोकेशन को पता करते हैं ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ क्लियर अब क्वेश्चन ये था कि हाउ डज लैटिट्यूड कंट्रोल्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैसे कंट्रोल करते हैं ठीक है सो कम टू द नेक्स्ट पिक्चर सी देखो एज वी नो द अर्थ इज़ tilted ऑन इट्स एक्सेस अबाउट ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री ठीक है इट्स अ बैग्डिट्यूड कि ये ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री जो है ये अपने ही एक्सेस पर क्या है टिल्ट है अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये अगर इसको हम ऐसे यू सीधा करेंगे तो इस तरफ झुकी हुई नजर आएगी सा अगर हम इसको कर देंगे तो टर्न तो करेंगे तो, 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 तो ये अपने ही एक्सेस पे 23.5 थ्री पॉइंट जो है ये टिल्टेड है तो और इक्वेटर जो है वो इस तरह से यहाँ से जा रही है यू कैन सी यहाँ से टिल्टेड है अगर इसकी शेप देखते हैं ये कुछ इस तरह से बनती है और नॉर्मली हम कैसे बनाते हैं डायरेक्शन हम ऐसे देखते हैं ठीक है जो कि रॉन्ग है तो नॉर्म इसका जो मेन डायरेक्शन जो है नॉर्थ साउथ का वो इस तरह से देखा जाता है क्लियर गुड तो अब आप चलते हैं वापस लैटीट्यूड्स पे अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी क्लियरली देखिए वर्ल्ड के मामले में अगर देखें हम तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होती है नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका एंड इंडिया एंड इट इज़ अक्वेटर इट पास एस थ्रो साउथ अमेरिका अफ्रीका एंड इंडोनेशिया एंड हेयर इट्स अ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इट पास एस थ्रो साउथ अमेरिका अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया ओके सो दिस जोन इज़ कॉल्ड टॉयरेट जोन ठीक है टॉरेट जोन इसको कहा जाता है अब इसको टॉयरेट जोन क्यों कहा जाता है अब ये चीज़ समझेंगे को टॉरेट जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम देखें ये हमारी अर्थ है और अर्थ पे जो सन रेज आ रही हैं जो सन की रेज को जो रिसीव कर रही है अर्थ वो डायरेक्टली जो है इक्वेटर पे पड़ती हैं इक्वेटर पे या इक्वेटर के आसपास वाला जो एरिया है या नियर बाई एरिया जो है इक्वेटर का तो यहाँ पर ये स्ट्रेट पड़ती हैं और जबकि अगर हम पोल्स की बात करें तो ये थोड़ा सा स्लान्ट हो जाती हैं ठीक है तो वहाँ ये बहुत कम पहुँच पाती हैं और जो फ्रंट वाला पार्ट है इक्वेटर वाला वहाँ पे ये डायरेक्टली जो है पहुँचती हैं बीच करती हैं ठीक है तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ा इससे ये फ़र्क पड़ा जब ये डायरेक्टली सन uh, जो है इक्वेटर पे पड़ेगा अगेन कम टू द इक्वेटर इक्वेटर पे चलते हैं वापस से इन दिस मैप आ जाओ ठीक है सो इन दिस मैप यू कैन सी दिस पार्ट इज़ कॉल्ड द टॉयरेट जोन और द ट्रॉपिकल एरिया और द इक्विटोरियल एरिया ठीक है ट्रॉपिकल एरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की वजह से इक्विटोरियल इसलिए कहते हैं क्यों equator है, so, क्योंकि इक्वेटर के आस पास वाला एरिया है डेट्स वाई सो क्योंकि सन रेज जो है यहाँ पर डायरेक्टली पड़ रही हैं डायरेक्टली इसके ऊपर आ रही हैं तो ये जो एरिया है ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव करता है ठीक है और एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको एक तो ये हो गया दूसरा ड्यू टू द स्फेरिकल और कर्वेचर शेप ऑफ अर्थ अर्थ की शेप कैसी है स्फेरिकल कर्व जैसी बनी हुई है तो इसको हम क्या कह देते हैं कर्वेचर सो ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव वेरियस अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड्स जनरली एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स द एयर टेम्परेचर डिक्रीज ठीक है और वी कैन से लैटिट्यूड इंक्रीजेज द सनशाइन मोर ऑब्लिक एंड प्रोवाइड लेस वार्मिंग एनर्जी वाइल द लैटिट्यूड डिक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इज मोर अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो लैटिट्यूड्स क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं ठीक है इंक्रीज होएंगे तो क्या होगा सनशाइन कम होगा और वहीं अगर पोल से हम इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो सनस्टाइन क्या होगा बढ़ता चला जाएगा इस तरफ को इट मीन्स जो इक्वेटोरियल एरिया है वो ज़्यादा सोलर एनर्जी रिसीव कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस एरिया और द पोल्स ठीक है तो ये एक कहानी है सिंपल सी कि लैटिट्यूड जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर uh, जो है या सोलर एनर्जी जो है या आइसोलेशन जो है वो कम होगा और वहीं अगर हम uh, पोल से uh, जो इक्वेटर की तरफ आते हैं या हमारे लैटिट्यूड्स अगर डिक्रीज करते हैं तो वहाँ पर सोलर आइसोलेशन जो है वो क्या होगा ज़्यादा होगा ठीक है ये बात समझ में आई यहाँ तक गुड चलिए तो ये बात हमने समझ ली है तो इक्वेटर के पास टेम्परेचर रहेगा हाई वो एरिया कहलाता है ट्रॉपिकल या इक्वेटर टेम्परेचर एट पोल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर रहेगा माइनस में और ये जो एरिया है ये वाला ये कहलाता है फ्रिजर्ड जोन क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है क्योंकि यहाँ पे सोलर एनर्जी आइसोलेशन बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है एंड दिस एरिया इज़ कॉल्ड द टेम्परेट जोन क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत जो सोलर एनर्जी है रिस, रिसीव करता है एरिया ये वाला यह आइसोलेशन थोड़ा बहुत यहाँ पर होता है सो दिस इज़ अ रीज़न कि किस तरह से अगर हम क्लाइमेट की जब बात कर रहे हैं तो किस तरह से जो है ये चीज़ें हो रही हैं लैटिट्यूड किस तरह से इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है है ना तो ये हमने यहाँ पे देखा कि लैटिट्यूड की वजह से जो हमारा टेम्परेचर है जब आगे बात करेंगे क्लाइमेट कंट्रोल में किस तरह के जो है इन्फ्लुएंस uh, करता है क्या फैक्टर्स हैं उसमें भी आगे हम बात करेंगे लेकिन यहाँ पे बात करना था कि किस तरह से इसको कंट्रोल कर रहा है तो कंट्रोल करने का मेन रीज़न यही है कि ये जो रीज़न है इक्वेटोरियल वाला तो ज़्यादा सोलर एनर्जी रिसीव करने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा वेपोरेशन होता है और ज़्यादा वेपोरेशन की वजह से ज़्यादा प्रेसिपिटेशन भी होता है ठीक uh, है इट मीन्स मोर एवेपोरेशन मोर प्रेसिपिटेशन एंड जो फॉरेस्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस है और डेंस uh, होने का रीज़न यही है तो दिस इज uh, दिस एरिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेट जोन हॉट जोन है ना तो इसको हॉट वेट दोनों ही कह सकते हैं ह्यूमिड भी कह सकते हैं ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है इस एरिए में तो इंडिया का जो पार्ट है कम टू द नेक्स्ट पिक्चर सो इंडिया का जो पार्ट है इफ़ यू सी हेयर ये वाला जो पार्ट है ये आता है इक्वेटर के पास में तो इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर सो इट इट कम्स इन द ट्रॉपिकल जोन और द हॉट जोन तो इस वजह से यहाँ पर जो है रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होता है डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो हमारे अंडरमान निकोबर वाला एरिया है लक्षद्वीप है ये सब इक्वेटर के पास वाला एरिया है तो दे रिसीव मोर सोलर एनर्जी सो दैट्स वाई दे रिसीव मोर प्रेसिपिटेशन तो इस तरह से जो क्लाइमेट है यहाँ का जो है डिपेंड करता है लैटिट्यूड्स हैं या अभी एल्टीट्यूड्स की भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हमने सिर्फ अभी लैटिट्यूड्स की बात करी है और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो किस तरह से क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे क्लियर सो so, यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है और एक चीज़ यस वन थिंग मिस्ड विच इज़ अगर हम देखें इंडिया के uh, आ, बारे में तो ये जो इंडिया का ये वाला पोर्शन है जो उसका एक्सटेंट है नॉर्थ में और ऊपर भी नॉर्थ में तो इट इज़ अबाउट एट डिग्री फोर मिनट नॉर्थ एंड थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट नॉर्थ तो ये वाला जो एरिया है इक्वेटर वाला ट्वेंट जीरो डिग्री सॉरी ये ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री से लेकर जो एट डिग्री के बीच वाला ये पूरा किस में आता है ट्रॉपिकल जोन में एंड ऊपर वाला क्या आएगा सब ट्रॉपिकल जोन में ठीक है वो ट्रॉपिक के उस तरफ चला गया आर्कटिक और ट्रॉपिक के बीच में आ गया तो सब ट्रॉपिकल जोन होगा और ये होगा ट्रॉपिकल जोन क्लियर तो उसके अकॉर्डिंग जो है जैसे जैसे मैंने अभी बताया जैसे लैटीट्यूड इंक्रीज़ होंगे तो सोलर एनर्जी कम रिसीव करेगा तो कम आइसोलेशन होगा और जैसे जैसे अगर हम लैटीट्यूड से नीचे की तरफ आएंगे या लैटीटूड डिग्री डिक्रीज़ होंगे या ज़ीरो डिग्री थ्री डिग्री फोर डिग्री ट्वेंटी थ्री डिग्री तक के आसपास होगा तो सोलर एनर्जी रिसीव करेगा तो इससे जो है हमें मौसम का भी पता लगता है कि किस तरह का मौसम है वहाँ पे किस एरिया में है ना तो अगर हम साउथ में जाते हैं हमें एकदम बहुत गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा बारिश महसूस महसूस होती है वहीं अगर हम लोग नॉर्थ में चले जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर एकदम डिफरेंट होता है तो दिस इज़ द रीज़न क्लियर ओके सो नेक्स्ट एलिमेंट्स जो हैं वी विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट वीडियोज़ और द नेक्स्ट क्लास सो टिल देन टेक केयर फर्स्ट बिकॉज जो कोविड नाइन्टीन है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है और उससे हमें अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है क्लियर तो तब तक के लिए टेक केयर टेक केयर एंड बाय बाय